जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। धर्म कर्म का एक ही सार, जय गो माता जय गोपाल। धर्म कर्म का एक ही सार, जय गो माता जय गोपाल। आज पढ़े लिखे होने का अपना कर्तव्य निभाए और लंपी वायरस से जन जागरूक जागरूकता बढ़ाए। जय गो माता जय गोपाल, 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 जय गो माता जय गोपाल। हाय, मेरा नाम निखिल गर्ग है और मैं अपने देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज जो देश में वायरस फैल रहा है लंपी बीमारी, उसके कारण आज गायों का अस्तित्व खतरे में है और आगे आने वाले टाइम में मानव अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। तो उसको देखते हुए मैं देश के उद्योगपतियों, देश के समाजसेवी और हमारे स्टेट के जो भी समाजसेवी हैं, सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग इस बीमारी से निजात पाने के लिए आगे आएँ, हेल्प करें, हम लोगों से संपर्क करें। और इसी कड़ी में मैं अपना, अगर मेरा कोई योगदान रिक्वायर्ड है, मैं अपने लेवल पर तो ट्राई कर ही रहा हूँ। और मेरा सेल नंबर है 7878957114। और जो गाय या जो इस लंपी बीमारी से ग्रसित हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर का नंबर है, आप एक बार दिखा दीजिए, 9928939716। और बाकी हमारे ग्रुप से जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और आपसे भी आग्रह है कि आप आगे आइए प्लीज़। हाय, मेरा नाम आशु सांगी है। मैं इस लंपी वायरस के बारे में सोचता हूँ कि हमें अपने जीवन की आपाधापी के बीच में हमारा एक पर्यावरण के प्रति और हमारे जीव जंतु के प्रति भी कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। ये लंपी वायरस के कारण कई गायें और कई जीव जंतु हमारे ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इनके लिए दवाइयों का और जानकारी अर्जन करके इनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हाय, मेरा नाम वीरेंद्र चाहर है। मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लंपी वायरस है, इसकी जानकारी हमारे गौपालकों को नहीं है। हमें अपने पढ़े लिखे होने का हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा और हमें जो भी जानकारी हमें मिले, हम अब जानकारी अगर हमें नहीं है तो हम किसी पास के एक एनिमल हॉस्पिटल जाके, जो गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल होते हैं, वहां जाके आप एक जानकारी ले सकते हैं, दवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जो भी मदद हो सके। आप पैसों से मदद ना करके आप, मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ एक दवाइयों की जानकारी सिर्फ गौपालकों या किसानों भाइयों को जो भी आपके संपर्क में आए अगर उनको दे सकें तो इससे उनको सर बहुत मदद होगी। और ये वायरस जो एक कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है लगातार, आज ये वायरस आगरा में पहुंच चुका है, राजस्थान के नियर बाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, अदर स्टेट्स के सब राज्यों में ये वायरस है। अगर हमारी गौ माता को, अगर अस्तित्व को खतरे में है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चों के लिए दूध कहाँ से लेके आएंगे हमें। और इससे अगर हमारे राज्य में या देश में अगर दूध की कमी होती है तो मिलावटखोर हैं जो दूध में अभी भी मिलावटखोरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को और मौका मिल जाएगा कि ये और ज़्यादा मिलावटखोरी करके अपना मुनाफा बढ़ा सकें और इससे हमारे बच्चों का, हमारा खुद का सेहत पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। ये गौ माता पर जो बड़ा संकट आया हुआ है, हम सब लोग जागरूक हों और इसके लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें लंपी से गौ माता बचाने के लिए। कृपया अपना सहयोग दें
और दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। कृपया जहां पर भी देखें आप आगे आए, सहयोग करें। धन्यवाद। लंपी वायरस के विषय में गाय को बचाने के लिए सहयोग करें और सभी लोग, सभी समाज के लोग आकर के, और इसमें कहीं पर भी कोई असुविधा होता है तो इस नंबर पर फ़ोन करें और सब लोग सपोर्ट के लिए तैयार हैं। लंपी जैसी खतरनाक बीमारी से गायों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहयोग प्रदान करें और गौ माता की रक्षा करें। जैसा कि हमारे पुरानी सभ्यता में गौ सेवा परम धर्म है, उसी प्रकार से लंपी को, मतलब लंपी रोग को अपने को दूर करना चाहिए। सरकार की तरफ से इसमें बहुत भागीदारी की ज़रूरत है, केंद्र सरकार की तरफ से ही भागीदारी की ज़रूरत है। प्रॉपर रूप से टीकाकरण होना चाहिए गायों का, और गौ सेवा परम धर्म है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं और हम सभी को अपने पढ़े लिखे होने का परिचय देना चाहिए। गाय माता के ऊपर जो आज लंपी वायरस नाम की बीमारी आई है, हम सभी को इसकी अवेयरनेस फैला के और एक दूसरे को जन जागरूकता ला के इस बीमारी से, ताकि गाय माता को निजात मिल सके। ये काम सरकार का ही नहीं है, पर्सनली हम सभी लोगों का है, इसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल। और मैं फिर आप सभी से एक बार बोलना चाहूँगा कि आप सब और सारा समाज, जो पढ़ा लिखा हमारा समाज है, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो लोग कुछ समय निकाल कर गौ माता के लिए, आज ये कोरोना की तरह फैलता जा रहा है और इससे हमारी गौ माता की मृत्यु होती हो रही है, और राजस्थान में लगभग अगर डाटा देखा जाए तो 30,000 से 40,000 गाय मर चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग अपनी जन जन की भागीदारी निभाएँ और गौ माता को बचाएँ, जिससे कि हमारा अस्तित्व भी बचा रहे। गौ माता का अस्तित्व रहेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों तक ये मेरा मैसेज पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और आगे कुछ करने के लिए हमसे कांटेक्ट करें, एनजीओ से कांटेक्ट करें, सामने आएँ लोग लंपी वायरस से लड़ने के लिए। मैं बस यही चाहता हूं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने हो सकता है उतने लोगों तक इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें। I want you to see.